तो अब हम बात करते हैं रोगों के मामले में त्रिक भावों की भूमिका। त्रिक भाव हम किसे कहेंगे? जन्म कुंडली का छठा, आठवां और बारहवां भाव। अब यहां पर कोई ना कोई तो राशि होगी सी, तो छठा भाव जो है रोग कारक का भाव माना गया। छठे भाव में शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि होगी तो उसी के अनुसार रोग उत्पन्न करेगी। उत्पत्ति कारक ग्रहों का बलि होना आवश्यक। इस प्रकार बलवान शुभ ग्रहों का षष्ठी के साथ संबंध भी हो तो रोग कारक हो जाता। यदि शुभ ग्रह छठे भाव में उच्च का, स्वराशि का या मूल त्रिकोण का होकर बैठेगा, या मित्र राशि में आया हुआ हो, या षष्ठी से कोई संबंध स्थापित करता है तो रोग तो उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार इस भाव में जो है चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक से लेके 12 जो राशियां हैं उसको विचार कर लेते हैं। मान लीजिए छठे भाव में किसी की मेष राशि आती है, तो मेष राशि की स्थिति आएगी तो उसके शरीर में जलन होना, शरीर में गर्मी अधिक होना, और पित्त ज्वर होना और घाव होना, अग्नि का भय होना, ये रोग हो सकता है। फिर वृषभ राशि यदि आती है तो भी उसको जो है अग्नि का भय रहेगा, नपुंसकता हो सकती है और सन्निपात एक रोग होता है वो हो सकता है। यदि छठे भाव में आपके मिथुन राशि आती है तो मिथुन राशि आने से एक तो अति कामुकता, पित्त कारक बीमारी, पित्त शरीर में बढ़ जाना, श्वास कास खांसी है ना, और सर्दी जुकाम अधिक होना। इसी प्रकार सिंह राशि आ जाएगी तो शरीर में बुखार अधिक होना, बुखार का होना, और इसके अलावा हृदय रोग, फिर हृदय गति का कम ज्यादा होना और मानसिक तनाव। तो छठे भाव में जब सिंह राशि आएगी तो उसके बारे में बता रहे। अब यदि छठे भाव में कन्या राशि होगी तो ये पाया गया है कि सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है, वहां कोई बीमारी हो सकती है। तुला राशि अगर छठे भाव में आएगी तो वहां पर व्यक्ति को प्रमेह है, शरीर में संतुलन का अभाव है ना, रक्त का लहरा के चलना, गिर जाना, ये भी एक बीमारी हो सकती है। यदि छठे भाव में वृश्चिक राशि आती है तो ऐसे में उसको संग्रहिणी और पीलिया होने का खतरा रहता है। जबकि छठे भाव में यदि धनु राशि आती है सॉरी सर, तो सर संग्रहणी क्या होता है? ये आंतों में सूजन। अच्छा हाँ ठीक। अब यदि धनु राशि आती है वहां पर है ना, तो पेड़ से गिरने का डर रहता है, ऊंचाई से गिरने का डर रहता है, उसकी वजह से रोग हो जाता है ना। फिर हड्डी भी कोई टूट सकती है और पेट के रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि मकर राशि छठे भाव में आई तो पेट में दर्द होना, गैस वायु का बनना और किडनी में, गुर्दों में जो है दर्द पैदा होना, अरुचि हो जाना खान पान में, या भूख ही न लगना, फिर बुद्धि भ्रम और तंत्रिका तंत्र की व्याधियां भी हो जाती है। यदि कुंभ राशि छठे भाव में पड़ेगी तो प्रतिष्ठा मतलब साइनस की प्रॉब्लम, अचानक से एलर्जी जिसको कहते हैं, खूब छींके आना, ये प्रतिष्ठा ही बोलते हैं इसको, श्वास कास रक्त पित्त और ज्वर पैदा होता है। इसी प्रकार छठे भाव में यदि मीन राशि आ जाएगी तो जल तत्व की वृद्धि की वजह से उत्पन्न व्याधि होती है। जल तत्व की तो कहीं शरीर के किसी अंग में पानी भर जाना, ऐसा भी होता है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम आठवें भाव पर। देखिए छठा भाव से तीसरा भाव, हर भाव से तीसरा भाव पिछले भाव की वृद्धि कर देता है, ये ध्यान रखें है ना। अब आठवां भाव, तो छठा भाव रोग का है तो आठवां भाव ऑपरेशन का, तो अष्टम भाव आयु और मृत्यु का स्थान है, मालूम ही है मृत्यु किस प्रकार किस रोग से होगी तो, और मृत्यु के उपरांत क्या स्थिति होगी ये पता चलता है। तो ये मैंने कुछ फल देखे हैं कि सूर्य यदि आपके आठवें भाव में स्थित हो या अष्टम भाव को देखता है तो उसको जो है अंतिम समय में बहुत तेज बुखार आता है और वो बुखार कम नहीं होता, या किसी प्रकार के शस्त्र आघात से या अग्नि से उसकी मृत्यु होती है। चंद्र की अष्टम सर स्थिति मर्डर हो भी हो सकता है क्या सर? क्या? शस्त्राघात आपने बोला।
मर्डर भी हो सकता है, शस्त्राघात नहीं, नहीं बोला, शस्त्राघात होगा, मर्डर के लिए मंगल आता है, ठीक है ये। अच्छा हाँ, अब बलवान मंगल अगर अष्टम में बैठा हुआ हो या उस पर दृष्टि रखता है तब करंट लगने का खतरा रहता है, रक्त विकार होता है। और ये भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई जादू टोना तांत्रिक प्रयोग से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। जब तंत्र प्रयोग होता है किसी प्रकार का, तो लोग कहते हैं कि भैया बाधक मारक की दिशा मुक्ति अंतर होगी तो तंत्र इफेक्ट करेगा, लेकिन वास्तव में तंत्र जो है, हर किसी तंत्र मंत्र का कोई देवी देवता होता है, वो इनको बिल्कुल भी नहीं मानता। और कहते ना मूठ चलाना है ना, किसी के लिए मूठ भेजना, वो एक तंत्र का एक अलग है, कभी हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी, उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार जो है अष्टम भाव में यदि बृहस्पति हो या उसकी दृष्टि हो तो कफ प्रकोप बढ़ जाता है और बिना अधिक कष्ट के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। शुक्र यदि बलवान होकर अष्टम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव को देखता हो तो अति संभोग करने से, वीर्य की हानि करने से है ना, अधिक प्रकार से अपना शरीर की ऊर्जा को नष्ट करने से भी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार शनि बलवान होकर अष्टम भाव पर दृष्टि रखता हो तो लकवा लकवा मार सकता है, शरीर का कोई अंग बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है ना, और व्यक्ति कई बार कोमा में भी चला जाता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में अगर कहीं राहु विराजमान हो या राहु उसको देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, या कोई उसको जहर दे सकता है या स्वयं जहर खा सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव में अगर राहु हो तो उसको सर्प दंश का खतरा रहता है, सांप के काटने से मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार अगर केतु अष्टम भाव में हो तो आकस्मिक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, कुछ अंगों की ऐसी हानि होती जो ठीक ही नहीं हो पाते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लग्न में यदि कोई शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा हो और भाग्यश और भाग्य स्थान की स्थिति अच्छी हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर हो तो इन स्थितियों में थोड़ा बदलाव आ जाता है और मृत्यु होते समय कष्ट कम होता है। भाई मृत्यु तो होगी पर कष्ट कम होगा। तो जब अष्टम भाव में कोई भी ग्रह न हो तो, और ना ही किसी की दृष्टि हो तो अष्टम भाव में स्थित राशि के आधार पर किस रोग से मृत्यु होगी ये भी हम जान सकते हैं, है ना। तो अष्टम भाव में यदि मेष राशि है तो पित्त है ना अग्नि से, या वृषभ राशि है तो त्रिदोष से। ये हम कब देखेंगे, जब अष्टम भाव पर किसी की दृष्टि ना हो ना कोई ग्रह। मिथुन राशि वहां पर विराजमान है तो श्वास में रुकना, सांस लेने में परेशानी, कर्क है तो उन्माद रोग हो जाना, पागलपन बढ़ जाना। सिंह राशि है तो किसी पशु का हमला होने पर मृत्यु हो सकती है या बहुत तेज बुखार होकर मृत्यु हो सकती है। कन्या राशि होती है तब किसी प्रकार के गुप्त रोग से मृत्यु हो सकती है, कोई स्त्री कारण बन सकती है। तुला राशि होती है तो मस्तिष्क ज्वर या त्रिदोष हो सकता है। वृश्चिक राशि वहां पर होगी तो हमारे बॉडी में लीवर के आसपास भी प्लीहा होता है, प्लीहा या ग्रहणी जिसको कहते हैं, या पीलिया रोग भी हो सकता है। ऐसे धनु राशि होगी तो जल से या लकड़ी के किसी शस्त्र से मृत्यु हो सकती है। मकर राशि होगी तो बुद्धि भ्रम से और बहुत अधिक तेज दर्द के कारण भी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कुंभ राशि होगी वहां पर तो टीबी होने की संभावना रहती है, खांसी सर्दी इसकी वजह से व्यक्ति मर सकता है। फिर मीन राशि होगी तो किसी प्रकार शरीर में जल तत्व की वृद्धि हो जाएगी, किसी अंग विशेष में पानी भर जाएगा और कफ की अधिकता हो जाएगी, इससे भी मृत्यु हो सकती है। ये हम कब देखेंगे, जब अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो और न किसी की दृष्टि हो तो। अब आते हैं हम बारहवें भाव पर। बारहवां भाव लग्न का व्यय स्थान है, अतः इस भाव से शरीर की जीवन शक्ति ऊर्जा की हानि देखी जाती है। ये धन का भी व्यय करने वाला होता है, इसी के और इसी से हम कारागार बंधन का भी विचार करते हैं। अधिक धन का व्यय होने पर भी व्यक्ति चिंता के कारण बीमार पड़ जाता है, धन हानि अचानक हो गई, डूब गया पैसा तो भी वो शॉक लग सकता है ऐसा, ठीक। अब बारहवें भाव में स्थित ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार रोग बताते हैं, जैसे 6, 8, 12 तीनों स्थान जो है अशुभ और रोग कारक ही माने गए, ये दुख स्थान भी कहलाते। लग्नेश की इन स्थानों में स्थिति अगर है, यानी 6 में 8 में 12 में है,
और यदि वह स्वक्षेत्री नहीं है, स्वराशि का नहीं है, तो शरीर सुख की हानि ही करेगा। यदि किसी क्रूर ग्रह से लग्नेश, किसी क्रूर ग्रह से लगने 6-8-12वें स्थान में हो, तो शरीर सुख का नाश होता है। कोई ना कोई बाधा परेशान करती, व्यक्ति जीवन में शरीर का सुख नहीं उठा पाता है। हो सकता बचपन से शुगर हो जाए तो मिठाई नहीं खा सकता। तो इन तीन स्थानों के स्वामियों से लग्न और लग्नेश प्रभावित ना हो, यही अच्छा है। फिर से बोल रहा हूं, 6-8-12 भावों के स्वामियों से लग्न या लग्नेश प्रभावित ना हो तो बहुत ही बढ़िया है ना। और लग्नेश का 6-8-12 से संबंध ना हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि चंद्रमा 6, 8 या 12वें भाव में बैठा हो तो उसको नेत्र पीड़ा, नेत्र में चोट लगना, दुर्घटना में भी चोट लग सकती, चित्त में व्याकुलता रहना, शरीर में दुर्बलता, सर्दी खांसी निमोनिया इस प्रकार का पीड़ा होती है और नेत्र पीड़ा भी हो सकती है, ये भी हम ध्यान रखें। अब 6, 8, 12 में अभी आपने ध्यान दिया कि यही सबसे खास हो गए। वैसे तो मैंने बताया कि सभी भाव जो शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधि करते हैं, है ना। तो अब यदि भाव, कोई भी भाव वहां पर विराजमान राशि या कोई पापी ग्रह है ना, तो कोई भाव जो है आस पड़ोस में, जैसे हम कहते हैं ना पाप कर्तरी योग, तो किसी भाव के आसपास पापी ग्रह आ गए तो प्रभावित हो जाएगा वो भाव। मान लीजिए सातवें भाव की बात करें तो सातवें के अगल बगल पड़ गया 6ठा और 8वां भाव। 6ठे और 8वें में मान लीजिए राहु है, इधर शनि है, केतु है, इधर शनि है, इधर के राहु है, इधर शनि है, तो कौन सा भाव प्रभावित हो जाएगा? सप्तम भाव। ऐसे व्यक्ति को किडनी की समस्या आ जाएगी, जीवन साथी के चिड़चिड़ाहट या उसके व्यवहार के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, हाँ, अब कोई प्रश्न आ रहा है तो पहले प्रश्न पूछिए अभी तक में। एक सवाल है मेरे मन में आया, जैसे अभी हमने अष्टम भाव का बोला ना कि अष्टम भाव में शुक्र होता है तो मृत्यु में कष्ट कम होता है ये सब। हाँ, अगर लीजिए सप्तम अष्टम भाव को कोई शुभ प्लेनेट देखे या कोई अशुभ प्लेनेट देखे, जैसे मान लीजिए अगर शुक्र देखे, गुरु देखे तो क्या रिजल्ट रहेंगे, और शनि मंगल राहु केतु देखे तो क्या रिजल्ट रहेंगे? वो तो मैंने अभी बताया आपको। सर वो रिपीट करो ना वो स्टेटमेंट, मेरा नेट कनेक्शन ये हो गया। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ, नेट कनेक्शन गड़बड़ हो रहा था। सुनिए मेरी बात, ये अभी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में फिर से आ जाएगा, तो आप इसको फिर से ऑन करके देख लो। क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो लिखा हुआ होता तो वैसा कभी ऐसे ही बोल पाता, अब वो लिखा हुआ नहीं है तो मेरे फिर विचार आगे पीछे हो जाएंगे। तो सर अगर जैसे मान लीजिए अष्टम भाव को शनि मंगल देख रहा है और शनि मान लो अष्टमेश भी है, तो फिर किस तरह की मृत्यु कहेंगे इसमें? हाँ देखिए, शनि अष्टम भाव में अष्टमेश भी है, हाँ, है ना, या कोई भी ग्रह अष्टमेश हो ही सकता है। कोई भी ग्रह, हाँ, बिल्कुल, तो वो उसी प्रकार का रोग देगा। शनि वहां पर है तो अंतिम समय में शरीर जो है ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लकवा भी हो सकता है। और अगर सूर्य शनि उधर है नहीं, मैंने कहा शनि मंगल देख रहे हैं, जैसे मान लो कोई बैड प्लेनेट देख रहा है, शनि मान लो अष्टमेश भी है तो क्या करेगा? शनि अष्टमेश भी है और उसको मंगल देख रहा है ऐसा? हाँ, शनि मंगल दोनों ही मान लो अष्टम भाव को देख रहे हैं। हाँ, शनि मंगल दोनों अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ये स्थिति और भी गड़बड़ी वाली है। एक्सीडेंट टाइप का लगता है ना इसमें? एक्सीडेंट टाइप का भी होगा, बिल्कुल होगा, है ना, और उसमें तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। शनि मृत्यु पजाता है और वो बहुत जल्दी जो है इफेक्ट डालता है मंगल, जैसे सिर का धड़ से अलग हो जाना मंगल का इफेक्ट है, एक्सीडेंट में अचानक झटके से अलग हो जाना ये भी होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें अभी मिलेंगी, तो मैंने बताया ना आपको, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, या कॉन्ट्राडिक्टरी ये हो गया कि शनि जैसे अष्टमेश है तो लोग कहते हैं अष्टमेश अष्टम को देखे तो अच्छा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। हाँ देखिए, अब लग्नेश जो है, सर प्लीज वो रिपीट करना, मेरा फिर से कनेक्शन लॉस हो गया था, सिर्फ वो 6 और 8 में आपने जो बोला था शनि और राहु, हाँ, व्यक्ति क्या करता है सर एक्चुअली? हाँ देखिए, एक तो शनि यदि अष्टम भाव में हो या है ना किसी जगह से शनि अष्टम भाव को देखता, वो तो शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी तो 6ठे भाव से भी देख सकता है। हाँ, है ना,
तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शनि किस प्रकार का है ग्रह है, वो लकवा या पक्षाघात जैसी बीमारी देता है, तो कहते ना पैरालिसिस इफेक्ट आ गया। अब ये आएगा कब, अब आएगा कब, तो शनि अगर तीसरे भाव में है, सॉरी छठे भाव में है, तो तीसरी दृष्टि पड़ी अष्टम भाव पे, है ना। अब अष्टम भाव में यदि राहु है या कोई भी ग्रह है, तो शनि में की दशा में जब उस ग्रह का अंतर आएगा यानी कि भुक्ति आएगी, तो वैसा होगा। ओके, तो शनि की महादशा चाहिए ना सर उसको, शनि महादशा से उसको उल्टा कीजिए कि अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह, है ना, अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दशा में छठे भाव में बैठे हुए ग्रह या छठे भाव में जो राशि स्वामी है उसकी दशा भुक्ति अंतर आएगी, तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लग्न, अभी मैंने इसमें बोला था कॉन्ट्राडिक्ट में, क्या लग्न यदि शुभ है, लग्नेश यदि शुभ प्रभाव में है, है ना, तो फिर ये जो बला आई है इस प्रकार की, ये इफेक्ट डालेगी लेकिन कम डालेगी। ऐसा जैसे अभी मुझे राहु की दशा चल रही है, राहु बैठा छठे भाव में और बुध बैठा है आठवें भाव में, ठीक, तो राहु में बुध का अंतर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए था, बराबर है ना, तो किस प्रकार का, तो बुध वहां पर काय का है, नर्वस सिस्टम का है ना, स्किन का, तो इसने स्किन पीड़ा दी, अचानक खुजली होना, और मैं कितने ही डॉक्टरों को दिखा लिया है, कोई इलाज नहीं कर पाया, एक दवा ऐसी नहीं लिखी उन्होंने कि जिससे ये रुक जाए। अब उनको कौन बताए कि साहब जिसका छठे में राहु बैठा हो उसका इलाज करना मुश्किल होता है, वो डॉक्टर को भी भ्रमित करता, फिर स्वयं पकड़ में आता है। मैंने फिर बोला आपको, जिसका छठे में राहु होगा वो खुद ही पता करेगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ऐसा तो क्या गड़बड़ निकली, मालूम पड़ा कि कुछ समय से खाने में राई का प्रयोग अधिक हो रहा था, राई का प्रयोग अधिक होने से खुजली होती है, हर एक खान पान की वस्तु का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट है। अगर आप मुट्ठी भर बादाम रोज खाएंगे तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, ऐसा भी होता है, तो एक लिमिट में सब चीजें ठीक है, है ना। अब राहु में बुध आया, अब उल्टा करें कि जब बुध में, बुध की दशा में राहु की भुक्ति आती तो भी पीड़ा होती, काय की चर्म रोग की पीड़ा होती और विचित्र पीड़ा होती जिसका कोई जवाब नहीं, ढूंढे से न मिले, डॉक्टर को उसका इलाज ही न मिले। जब बुध में राहु आता है तब ना सर? हाँ तब, क्योंकि वो छठे और आठवें की स्थिति हो गई ना, एक बैठा छठे में एक बैठा आठवें में और इनकी आपस में दशा मुक्ति आ गई तब। ऐसा तो फिर चाहे आप होम्योपैथी का इलाज कराएं कि आयुर्वेदिक का कराएं, वो रुकता नहीं है, फिर व्यक्ति को खुद पता चलता है कि मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा तो अब ये राहु में यहाँ पर बुध का, देखिए छठे में अष्टम की छठे भाव में बैठे हुए ग्रह में, अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की जब भुक्ति आएगी तो ये बहुत हानिकारक हो जाती। कब और हो जाती, जब इस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाती आठवें भाव पर या शनि की दृष्टि पड़ जाती, तो ये और खतरनाक हो जाता, ठीक। ऐसा और सर अभी आप चंद्रमा के बारे में बता रहे थे, चंद्रमा 6, 8, 12 में बहुत खराब रहता है, खराब रहता, 12वें में ज्यादा खराब रहता, छठे में अगर होगा, है ना, छठे आठवें 12वें में चंद्रमा अगर होगा तो एक तो पानी की घात रहेगी, उसको पानी में डूब के मृत्यु होना। लेकिन अगर लग्नेश शुभ प्रभाव में है, लग्न पर शुभ ग्रह कोई देखता है, भले वो कमजोर होकर देखता हो, तो व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन ये घटना तो होगी, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि है इसलिए। हाँ और भी कोई प्रकोशन फिर और भी कुछ अलग से लेते होंगे ना, जैसे 6, 8, 12 के चंद्रमा की। हाँ, अब छठे आठवें 12वें का चंद्रमा तो अच्छा रहता, खासतौर पर यदि 12वें भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को भावुक बनाता है, और ऐसा व्यक्ति कोई भय की परवाह नहीं करता, मृत्यु की परवाह नहीं करता और कोई जबरदस्त डिसीजन ले लेता है। अब उसमें शरीर मिटे तो मिटे इस स्थिति पर भी आ जाता है, क्योंकि खासतौर पर किसी का भी चंद्रमा पीड़ित होना, यानी मन पीड़ित हो गया, दिमाग भ्रमित हो गया, जहाँ सभी ग्रहों का मजबूत होना अनिवार्य है। जी जी, चंद्रमा बहुत खराब हो जाता है,
बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग देखिए ना, कोई बहुत बड़ा नेता हो या अभिनेता हो और अचानक वो आत्महत्या कर लेता है, तो उसका सूर्य तो बहुत अच्छा था जो वहां तक पहुंचा दिया उसको, लेकिन एंड टाइम पे उस चंद्रमा ने उसको धोखा दे दिया जी, है ना। और बुद्ध पीड़ित होता है तो वो तो बुद्धि को गड़बड़ करता है, त्वचा का कारक है, इनको देखेंगे, लेकिन वास्तव में इन सबकी वजह से जो दिमाग खराब होता है वो वही बात है। कई लोग बीमार पड़ते हैं और 3-4 महीने से इलाज चल रहा, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, जीवन से उम्मीद छोड़ देते हैं कि भाई अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ना, ये बात। तो हमें उसमें देखना पड़ता है कि किस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पे पड़ रहा है, अशुभ ग्रह का, उसको हमको हटाना पड़ता है, यानी उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करवाएंगे हम, ये उपाय पे हम चर्चा करेंगे इसकी, शास्त्रीय उपाय पे भी। अभी हम जितना भी इसमें पढ़ रहे हैं, तो देखिए मैंने कहा बेस क्या होती है, वैदिक ज्योतिष। अभी हम ये कृष्णमूर्ति पद्धति वगैरह पे तो हम आए ही नहीं अभी, है ना। तो अभी हम पहले वैदिक से विचार करेंगे, उसके बाद हम उधर आएंगे, ठीक। हाँ जी, और क्या पूछ रहे थे सर? अष्टमेश की महादशा हो, हाँ, और अष्टम में विराजित ग्रह की अंतरदशा यदि आए, तो इसको भी क्या अपन हानिप्रद मान सकते हैं? नहीं, अधिक मात्रा में नहीं मानेंगे, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि अब इसको कौन ग्रह देख रहा है। अष्टम यजमान है उनमें, हाँ। अष्टमेश उनके चंद्रमा है, है ना, कर्क राशि आ रही है उनकी आठवें भाव में, अष्टमेश चंद्रमा हो गए, उनकी महादशा है और उसमें मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल उसमें निर्बल ही हो गए, कर्क राशि में आके बिल्कुल, लेकिन तो गए अंतरदशा है, मंगल वहां पर अंतरदशा है बिल्कुल, हाँ। तो अब ऐसे समय में मंगल किस चीज का कारक है, किसी प्रकार की चोट का कारक है, है ना, ये चोट जो लग सकती है उनको, तो ये सिर पर चोट लग सकती है जिससे उनका दिमाग भ्रमित हो सकता है, तो उनको जैसे गाड़ी चलाते हो तो हम क्या कहेंगे, भाई आप हेलमेट पहनिए, हम मृत्यु की बात नहीं कर रहे, कई बार चोट इसे लगती कि सिर भिन्ना जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, हाँ, एक एक्सीडेंट हो चुका उसमें चोट पे सिर भी आ चुकी, सिर पे चोट भी आ चुकी, उनकी डिटेल भेजूंगा मैं आपको, हाँ। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही हुआ था एक्सीडेंट, काफी गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, और जैसे से रिकवर हुए और अभी कोरोना में पड़ गए, अब हॉस्पिटलाइज्ड है अभी, हाँ। तो ये लगातार बीमारी का बने रहना, ये भी हम आगे देखेंगे, है ना। लेकिन अभी जैसे हमने किसी की पत्रे का उठा से देखते हैं और हमें लगता है कि भाई 6-8-12 में चंद्रमा है या ये अष्टम भाव में शनि है, तो वो जन्म के समय से तत्काल प्रभाव देना शुरू नहीं करता है, वो अपनी दशा भुक्ति अंतर में आना चाहिए, या दशा किसी और की भी हो तो उसमें वो भुक्ति के रूप में आ जाए, तो भुक्ति के रूप में आएगा तो वो उसके ऊपर फिर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, ये देखना, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो बच जाएगा। तो फिर बात वही आती है कि लग्न सबसे बली होता है, अगर उसका लग्न और लग्नेश बली है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि केवल 6-8-12 भाव में, जैसे भी खासतौर पर अष्टम भाव में या 6-8-12 भाव में या अष्टम भाव में कोई ग्रह न पड़ा हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी न पड़ी हो, तो क्या पैदा हो सकता है, है ना। तो उसका मैंने अभी पूरा बताया आपको एक एक डिटेल, वो अभी आप वीडियो सुनेंगे तो आपको फिर से पता लग जाएगा उसका। ओके सर, थैंक यू। हाँ, यानी कहने का मतलब हर हाल में हमें जो है लग्नेश को अगर मजबूत है तो आप समझिए कि व्यक्ति मुसीबतों से बच जाएगा, ये खास तौर पर। सर, हाँ, सर लग्नेश में अगर चंद्र गुरु है तो फिर अच्छे फल देते हैं क्या वो सेहत के लिए? लग्न में चंद्र गुरु होना है ना, हाँ हाँ, देखिए अभी मैंने कहा लग्न में चंद्र गुरु रहना, तो देखिए उसके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्यों होगी, क्योंकि गुरु स्थान हानि करता है ऐसा। अच्छा, हाँ, और अकेला चंद्र हो तो कुछ नहीं होता है सर? अकेला चंद्र बुरा नहीं होता है, 6-8-12 हाँ। में गए हुए ग्रह ठीक नहीं होते, है ना। तो मान लीजिए 6ठे भाव में शुक्र गया जो कि 5ठे भाव का स्वामी था, है ना, 6ठे भाव में शुक्र, हाँ। है, मान लीजिए 5ठे भाव का स्वामी, जैसे कि मकर लग्न की पत्रिका में 5ठे भाव में वृषभ राशि आएगी,
तो शुक्र चला गया छठे भाव में, तो पंचम के फलों में प्रॉब्लम पैदा हो गई। क्या होगा ये? हाँ। इसका सीधी सी बात है, पंचम भाव संतान का भाव है, तो संतान में देरी करेगा, संतान नहीं होने देगा, तो फिर संतान कारक कौन देगा? हम देखते हैं फिर गुरु को देखेंगे, क्या गुरु की स्थिति ठीक है ना। गुरु वृद्धि का कारक है, तो परिवार की वृद्धि का कारक भी गुरु है। तो यदि गुरु अच्छा है, शुभ है, तब ठीक है। देखिए स्वराशि के जितने होते ना, आप नोट करिएगा, वो अच्छा फल नहीं देते ग्रह। अच्छा हाँ, और किसी की पत्रिका में अधिकतम ग्रह उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे, उसका जीवन उतना तकलीफ में होगा। करेक्ट है, है ना। चाहे भगवान राम की पत्रिका देख लीजिए, चाहे कृष्ण की देख लीजिए, सब ग्रह उच्च के भगवान राम की पत्रिका में, शानदार। वैसे कृष्ण के साथ है कि नहीं? जैसे भगवान राम को अभी जैसे वहां पढ़ने के लिए माता पिता से दूर गए, आए वैसे वनवास भेज दिए गए, माँ पत्नी का हरण हो गया, जैसे तैसे वापस आए, फिर पत्नी को जाना पड़ा, बच्चों का जन्म भी जंगल में हुआ, उस व्यक्ति को सुख कहाँ था। और कृष्ण भगवान तो जैसे बढ़ते गए, कभी कोई मारने आ रहा, कभी कोई मारने आ रहा, उनको भी चैन नहीं था। तो जितने तो सर इसकी वजह से सर कर्क लग्न अच्छा नहीं माना जाता है ना सर। कर्क लगने वाले का ये देखा है कि वैवाहिक जीवन या तो बेहद सामान्य होता है, या उसको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है ना, जैसा वो जीवन साथी चाहता था वैसा नहीं हो पाता है। और सर इनको माता का भी सुख कम होता है ना, चतुर्थेश बाधकेश होता है उनका। हाँ, माता पिता के सुख में कमी का जो मेन कारक है वो आप देखिए, चौथे में अगर राहु या केतु आ जाए तो जाहिर है कि एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहेंगे, तो चौथे भाव में राहु या केतु हो तो दसवें भाव में अपने आप राहु या केतु आएगा, तो ऐसे व्यक्ति के माता पिता का सुख जल्दी कम हो जाता है, यानी कि और जितना उनको पूर्णायु जीना चाहिए उसके पहले वो अलग हो जाते हैं। ओके, किसी एक का सुख मिलता है ना सर। हाँ, किसी एक का सुख रहता है, नहीं तो फिर उनसे दूर ही रहते। हाँ, ये किसी भी ज्योतिषी किताब में नहीं लिखा, ये मैंने अपने अनुभव पर देखा। बराबर है सर। और कुछ प्रश्न? सर आपने एक बार बोला था बुध में जब राहु आता है और राहु में जब बुध आता है तो फिर वो उस व्यक्ति का वो टर्निंग पॉइंट रहता है, तो वो हाँ, अच्छा है, पूरा कुछ भी रह सकता है ना सर? कुछ भी रह सकता है, वो उस पर डिपेंड हाँ, करेगा कि वो किस किन भावों में बैठे हुए हैं। अगर शुभ भाव में बैठे तो अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर वो छठे और आठवें वाली स्थिति है तो बुरा हो गया ये। अब टर्निंग पॉइंट कैसा, मान लीजिए वो व्यक्ति स्टूडेंट है ना, तो उस केस में क्या आ सकता है कि वो अचानक सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, कॉलेज में होगा तो भी ऐसा हो सकता है कि अचानक कोई दूसरी ब्रांच ले ले, सर्विस में होगा या बिजनेस में होगा, अचानक बदलाव आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो जब तक सर मिस आपने उस टाइम बोला था सर कि कोई चीज वो बहुत साल से प्रयास कर रहा है वो नहीं हो रहा है, तो इसमें हो जाता है उसका काम जो अब तक नहीं हुई है वो इसमें, अब जब हाँ, बुध में राहु, राहु में बुध आता है। हाँ, लेकिन बस इनकी स्थिति 6-8-12 वाली नहीं होना चाहिए, अगर वैसी होती है तो फिर तो फिर तो रुकावट समझिए उसमें। कुछ ना कुछ पूरा फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सबके लिए है, राहु और बुध के। हाँ, सभी के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ बदलाव आता ही है। सर लग्नेश का अपने से 12वें भाव में विराजित रहना, हाँ, क्या शरीर की हानि के साथ साथ एक्सपेंसेस को भी ज्यादा बढ़ाता है क्या व्यक्ति के? हाँ, खर्चे भी बढ़ाता है और जन्म स्थान से दूर भी ले जाता है। अच्छा, इसमें जन्म स्थान हम किसको प्रायोरिटी पे रखें आज के नए? जहाँ पैदा हुआ है, जिस स्थान पे पैदा हुआ है। यूजुअली क्या होता है ना सर, जैसे कि हम ही, हमारे जितने भाई बहन है हम सब नानी क्या हुए, तो वो लोग नाना जी बड़े धर्मालु प्रवृत्ति के, तो उनको लगता था कि भाई बेटी डिलीवरी मेरी यहाँ हो तो वो उनके गांव
के जाते थे और हम तुरंत ही वापिस आ गए उज्जैनी। हाँ तो वो स्थान आपका कौन सा कहलाएगा जो गांव था वो? बचपन से अलग हो गए ना उस स्थान से तो सर, ऐसे तो हाँ, सारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, मैं खुद जन्म स्थान से अलग हूँ, भले ही मेरा सर, ऐसे जो है मारवी भाव में नहीं उसको किसको दिन आज के नवीन अपन आज के अनुसंधान के साथ देखे तो जन्म स्थान कायदे से उसको मानना चाहिए जहाँ पे यूजुअली हमारा घर है ही, बट ठीक है किसी कारणवश डिलीवरी के लिए माता जी वहाँ गई फिर वापस आ गए। नहीं नहीं, जहाँ पैदा हुआ है, मान लीजिए आप उज्जैन में रहते हैं लेकिन आपका जन्म शिप्रा गांव में हुआ है, है ना, तो वो शिप्रा शिप्रा आपका जन्म स्थान माना जाएगा। और यदि आपका जन्म हवाई जहाज में हुआ होता तो तो उस वक्त के ट्रेन में भी हो जाता है बिल्कुल, तब उस वक्त के उस स्थान के कि भाई उस वक्त ट्रेन कहाँ से गुजर रही थी वहां के लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिए जाएंगे ऐसा। सर जैसे आपने अभी बताया कि आपकी दशा ऐसे अष्टमी को षष्ठी का अंतर ऐसा चल रहा है वो खत्म, मेरा भी यही चल रहा है और मेरा सर खत्म तो हो गया लेकिन वो लग्नेश भी पीड़ित थे मतलब गुरु नीच का बेटा हुआ है। हाँ तो ये शारीरिक व्याधि देगा आपको। अब ऐसे में यदि अपन आयु का विचार पूरा कर लें तो भी व्यक्ति की आयु अच्छी है तो ये पीड़ा में बदल जाएगा, है ना, ऐसा मानसिक कष्ट देगा सर ना वो, मानसिक बीमारी नहीं देगा, बीमारी नहीं, मानसिक कष्ट भी दे सकता है बीमारी भी दे सकता है जो है ना दोनों, बस चंद्रमा पीड़ित होता है तो मानसिक तकलीफ ज्यादा हो जाती है। चंद्रमा है तो वो सर अष्टमेश है लेकिन पीड़ित तो नहीं है, गुरु फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, फिर तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर फोर्थ हाउस लंबी बीमारी देता है ना सर कि जो इनक्यूरेबल रहता है डिसीज? नहीं ऐसा नहीं है, चतुर्थ भाव तो किस बीमारी का वो हम देख लें कि भाई वो तो वक्ष स्थल वगैरह का है, चतुर्थ भाव एक्चुअली सब कुछ समाप्ति का भाव है, अंत समय का भाव है, वो शमशान का स्थान है ऐसा। तो वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली बीमारी देता है क्या सर वो चतुर्थ भाव? नहीं नहीं, बीमारी के लिए तो पहले दशा भुक्ति अंतर में वैसे छह आठ बारहवें भावों की आपस में दशा भुक्ति अंतर आए तब होगा ऐसा, तो है ना, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि अष्टमेश है चंद्रमा और अब जो है उसकी दशा आ गई और लेकिन वो चौथे भाव में बैठा है ना। हाँ। तो अब वहां पर वो अष्टमेश चौथे भाव में चला गया तो वो बुरे भाव में नहीं गया, अष्टमेश छठे में आठे बारहवें में चला जाता तो ज्यादा बुरा हो जाता। सर जब अगर अष्टम का सब लॉर्ड अगर जो स्टार लॉर्ड है वो फोर्थ करता है तो फिर ये अच्छा होता है अष्टम के? हाँ देखिए अभी तो अपन स्टार लॉर्ड के लिए वहां तक गए नहीं कृष्णमूर्ति पद्धति में, हम पहले बेसिक ही कर रहे हैं है ना, तो जब उसमें आएंगे तब वो देखेंगे। ठीक है ये बंद हो रहा है, बंद कर रहा है।